और हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस थे और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन देखा था। तो दो तरह के कर्व हम लोगों ने मेनली इसमें चेक किया था। डेट वाज फर्स्ट वाज पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसके लिए हम लोगों ने देखा कहाँ कहाँ पे किस किस पोजिशन पे हम लोग इक्विलिब्रियम पोजिशंस डिफाइन करेंगे और कौन सा स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल होगा। सेम वे में फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के लिए भी देखा था। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने कर लिया था। आगे हम लोग चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, डेट इज पावर। तो देखो पावर जो है, इस जगह से मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। पावर हर एक जगह पे लेकर के आता है, हर एक जगह पे इसे काम होते हैं। पावर क्या होता है बेसिकली, अगर सिंपल वर्ड में बोले तो एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है हमारा पावर। लेकिन पावर जो है वो हर एक चीज के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। जैसे कि कोई अगर लोड होगा या फिर कोई सप्लाई कर रहा होगा, एनर्जी को सप्लाई कर रहा होगा, तो वो सारे चीज जो होंगे अलग अलग तरीके से पावर का डेफिनेशन बनेगा। जैसे कोई भी फोर्स है जिस ब्लॉक पे ऊपर वर्क कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वर्क डन पर यूनिट टाइम डेट विल बी द पावर, क्योंकि तुम्हें पहले से पावर का मतलब पता है। पावर क्या होता है मैं लिख देता हूँ, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज व्हाट पावर, और पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो डीई बाय डीटी। एंड दिस पावर इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस पावर। इसे हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पावर क्या। आप देखो अलग अलग तरह के चीज हो सकते हैं। कोई एनर्जी सप्लाइंग डिवाइस हो सकता है, कोई एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस हो सकता है ना। तो अगर कोई भी एनर्जी सप्लाई कर रहा होगा डिवाइस, जैसे कि बैटरी, बैटरी क्या होता है कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करते जाता है। कैपेसिटर क्या है, एनर्जी सप्लाई करते जाता है। तो ऐसे डिवाइसेस का जो हम लोग पावर बोलते हैं वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम बोलते हैं। लेकिन अगर कोई भी लोड हो जैसे रेजिस्टेंस है, वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम होगा। तो दोनों के लिए पावर हमारा सेम एनर्जी पर यूनिट टाइम ही है, लेकिन वो एनर्जी किस किस तरीके से है वो अलग अलग मेथड से हम लोग निकालते हैं। तो उसमें प्लस माइनस साइन भी के फॉर्म में तुम सोच सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव सप्लाई कर रहा है, जैसे कि बैटरी है, बैटरी सप्लाई कर रहा है। बैटरी अगर सप्लाई कर रहा है तो इसके लिए प्लस होगा, और अगर इसके लिए कंज्यूम कर रहा है रेजिस्टेंस तो इसके लिए नेगेटिव पावर लिखेंगे। ऐसा नहीं है, पावर हमेशा पॉजिटिव में ही लिखेंगे। और पावर अगर पॉजिटिव में डिफाइन किया गया, इसका मतलब ये है कि वो उस तरीके से पावर कंज्यूम कर रहा है ना, या फिर पावर सप्लाई कर रहा है। अब जैसे कि हम लोग सिंपल केस के लिए भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जैसे कोई ब्लॉक है हमारे पास और उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको वर्क कराएगा, और इसके कारण से जो वर्क होगा, इस फोर्स के कारण से, उसके कारण से जो वर्क होगा, डेट वर्क पर यूनिट टाइम विल बी कॉल्ड एज द पावर। सो पावर इज व्हाट, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो एक इंस्टेंटेनियस पावर होता है और एक एवरेज पावर होता है। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और ये इंस्टेंटेनियस है, तो एवरेज कैसा हो जाएगा, एवरेज पावर विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। इसे याद रखना, हम लोग एवरेज की क्वेश्चंस करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। सो दिस इज एवरेज पावर, और ये एवरेज पावर किसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम लोग निकालते हैं। अब देखो ये जो पावर का फॉर्मूला है, पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, इससे हम लोग आगे चलते हैं और फॉर्मूले को थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में डिराइव करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर वर्क जो है वो काफी छोटा सा हुआ है, तो क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी काफी छोटा सा होगा, बराबर। तो डी डब्ल्यू इज बेसिकली व्हाट, डीके। तो इसका वैल्यू अगर मैं इस जगह पे पुट कर लूं, सो दिस इज नथिंग बट डीके बाय डीटी। तो किसी ब्लॉक का अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, तो उसका रेट ऑफ चेंज पावर बताएगा। और आगे देख लेते हैं, जो छोटा सा वर्क होता है वो हम लोग कैसे लिखते हैं, एफ डॉट डीएक्स से लिखते हैं। तो अगर मैं इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ,
ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि तुम्हें किस फॉर्म में एनर्जी पर यूनिट टाइम निकालना पड़ जाए तुम्हें पता नहीं। और डी डब्ल्यू का वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स, और इसको ऊपर पुट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर फॉर्म में देना पड़ेगा, और पावर कितना आ जाएगा, एफ डॉट डी एक्स वैक्टर फॉर्म में डिवाइडेड बाय डी टी, इसको ऐसे लिख देंगे, एफ वैक्टर डॉट विद डी एक्स बाय डी टी, और डी एक्स बाय डी टी क्या होता है हमारा, वेलोसिटी। सो पावर इज वॉट, फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद द वेलोसिटी। तो एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ गया, डेट इंस्टेंटेनियस पावर, दिस इज वॉट इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, और इस जगह पे क्या चीज है, डॉट प्रोडक्ट। सो इंस्टेंटेनियस पावर इज नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात समझ में आ सर गया? ऊपर वाला कभी यूज करने का? कौन सा? हर एक चीज देखो, ये सारे इंस्टेंटेनियस पावर है, ये भी इंस्टेंटेनियस है, ये भी इंस्टेंटेनियस है, और ये भी तुम्हारा एवरेज है, ये भी इंस्टेंटेनियस। तो ये एक सिर्फ और सिर्फ एवरेज है, बाकी सारे इंस्टेंटेनियस पावर है। मैं भी क्वेश्चन दूंगा, तुम्हें पता चलेगा कि इंस्टेंटेनियस निकालना है या फिर एवरेज निकालना है, क्वेश्चन में गिवन होगा। तो पावर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्यों? क्योंकि वर्क डन हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, क्योंकि वर्क हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। तो पावर अगर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नेगेटिव का क्या मतलब है? इतना से बताओ, अगर 5 जूल पर सेकेंड दे रखा है, इसका क्या मतलब, -5 जूल पर सेकेंड? इसका मतलब ये है कि ब्लॉक से या फिर कोई सिस्टम से 5 जूल की एनर्जी 1 सेकेंड में निकाली जा रही, विड्रॉ की जा रही, कंटिन्यूसली निकाला जा रहा है, इसका मतलब ये होगा। समझ में आया? इसके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, यूनिट क्या होगा। पावर हमें पता है कि एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, एनर्जी को हम लोग जूल में लिखते हैं और इसको सेकंड में लिखते हैं, तो जूल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट, है ना, वाट जूल पर सेकंड। और ये 1 वाट को हम लोग थोड़ा और भी डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो निकाल सकते हैं ना, जूल है, जूल कैसे हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे सेकंड, फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन, न्यूटन किस तरीके से आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, तो आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब। सो एम एल टी -3, ये डायमेंशन हो जाएगा, ये यूनिट हो गया। एक और यूनिट हम लोग इसमें यूज करते हैं, दैट इज जैसे हम लोग अपने घर में यूज करते हैं बोर्ड, एक सर्किट बोर्ड देखा होगा, उसमें बिजली का है ना मीटर चलते रहता है, और उस मीटर में रीडिंग मिलता है कि आपने 1 महीने में कितना बिजली कंज्यूम किया है, बराबर। तो वो होता है किलो वाट आवर में, KWH इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये किलो वाट आवर किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है या फिर एनर्जी का यूनिट है या किसी और चीज़? एनर्जी एनर्जी होगा, हाँ एनर्जी, ठीक है। तो इसमें कितना एनर्जी होगा वो हम लोग चेक कर लेते हैं। 1 किलो, किलो है इसका मतलब 10^3। वॉट, वॉट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड, और आवर दिया है तो आवर को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 × 60 सेकंड, ये कितना आ गया, सेकंड सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.6 × 10^1, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, 6 जूल्स। तो 1 किलो वाट आवर इज नथिंग बट 3.6 इंटू
10^6 जूल्स। तो ये एनर्जी का यूनिट होता है, हमें याद रखना है। और एनर्जी होता कितना है, दिस मच। तो जैसे हमारे घर में 1 यूनिट उठता है ना, इसका मतलब हमने 1 किलोवाट आवर का एनर्जी कंज्यूम किया। 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू दिस मच। तो तुम चाहो तो अपने घर में बिजली का कंजम्पशन निकाल सकते हो कितना हो रहा है। चलो अब आगे चलते हैं। तो इस तरीके से पावर वगैरह हम लोग डिफाइन कर दिए, अब इस पे क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। क्वेश्चन है, लेट से कि एक ब्लॉक है जिसका मास दे रखा है 5 kg और इस पे फोर्स लगाया जा रहा है आगे की डायरेक्शन में 10 न्यूटन का और फ्रिक्शन 0 है, फ्रिक्शन लेस सरफेस। तो तुम्हें मन से करना है, ठीक है, अभी पेन की जरूरत नहीं है, आराम से इसको देख करके करो। फाइंड पावर एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पहला, दूसरा फाइंड एवरेज पावर फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। चलो फर्स्ट वाला सॉल्व करके बताओ जल्दी से देख करके। सर हो गया फर्स्ट कितना वाला कितना आंसर बताओ। 20 वॉट। 20? हाँ सर। पक्का? हाँ नहीं सर, 1 सेकेंड। और किसी का आया आंसर? सर 40 सेकेंड का। चलो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, तो ऐसा कर लेता हूँ, इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 m/s². अगर एक्सेलरेशन 2 m/s² आया तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वी इज इक्वल टू u+80। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2 और टाइम 2 विच इज 4। तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई 4 m/s और इस इंस्टेंट पे पावर कितना होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट होता है, ये हो जाएगा एफ वी कॉस थीटा। और जो वेलोसिटी है और जो फोर्स लग रहा है उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ये दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना, फोर्स का वैल्यू कितना है 10, वेलोसिटी कितना है 4, तो कितना आ गया आंसर 40। दूसरा एवरेज निकालना है, तो एक्सप्रेशन तो वही हम लोगों ने निकाल ही लिया, रेट इज 2 m/s², तो टी इज इक्वल टू 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ut+ ½ of at² विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्सेलरेशन 2 इंटू टाइम का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4। तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है हमारा, कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है डेट इज 10, डिस्प्लेसमेंट हुआ 4, ये आ जाएगा 40। अभी वर्क निकला है, पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क हो गया 40 डिवाइड बाई टाइम लगाए 20 वॉट। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन था, इस बार गलती नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन 37 डिग्री के एंगल पे 10 kg का मास है, फ्रिक्शन 0 है।
ठीक है, तो फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एंड दूसरा एवरेज पावर निकाल। सॉल्व करो उसको। तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना है तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना होगा, मुझे फोर्स इनटू वेलोसिटी करना है ना। तो इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। एक्स में हो जाएगा तुम्हारा एक्स के डायरेक्शन में आ जाएगा 40, एंड वाई डायरेक्शन में आ जाएगा 30। और फ्रिक्शनलेस सरफेस है, काफ़ी सिंपल एग्जांपल दिया, ऊपर नॉर्मल वगैरह लग रहा होगा, वर्टिकल में कोई मतलब है नहीं, नीचे की डायरेक्शन में टेंजी लग रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन आगे की डायरेक्शन में आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन 4 आ गया तो 2 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ 80, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 4 और टाइम 2, तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। और पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है बराबर। तो हमेशा याद रखना, जो फोर्स लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी वाला लेंगे, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन का होना चाहिए। परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फोर्स के कारण से जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है, बराबर है क्या? तो नोट में हम लोग डाल के ये लिख लेंगे, अगर कोई भी फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, या फिर वेलोसिटी हो या फिर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसके कारण से वर्क डन जीरो होगा, इनफैक्ट उसके कारण से पावर जीरो होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने, मतलब है तो ऑब्वियस सा चीज, लेकिन काफी जगह पे हम लोग यूज करते हैं ट्वेल्थ में जाकर के। तो ये फोर्स का एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट लेंगे, दैट विल बी 40, एंड वेलोसिटी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे 8 हो जाएगा। या फिर तुम चाहो तो इसको इस तरीके से कर सकते हो, पावर इज इक्वल टू फोर्स कितना है 50, वेलोसिटी कितना है 8, लेकिन उन दोनों के बीच का एंगल कितना है कॉस 37। तो तुम ऐसे भी करोगे तो आंसर सेम आएगा 320। ठीक है, ये तो था हमारा इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर कैसे निकलेगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क निकालने के लिए पहले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एस एस इक्वल टू 2 प्लस हाफ ऑफ ए, ए कितना है 4 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 8। वर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला फोर्स सिर्फ वर्क करेगा, और पावर कितना हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम विच इज 320/2, 160। ठीक है क्या, ये आंसर आ जाएगा। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रिक्शन वाला। ये 10 केजी का मास है और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है विच इज ऑफ 100 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू इज इक्वल टू 0.5। अच्छा है, फाइंड पी इंस्टेंटेनियस एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड फॉर एफ एंड फ्रिक्शन, इसी को सॉल्व करो। इतना ही सॉल्व हुआ। देखो इस पे इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा उसका 80 आएगा, और इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा 60, नीचे के डायरेक्शन में 100 लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा, तो नॉर्मल का वैल्यू कितना आ जाएगा 40। और पीछे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू इन टू, म्यू कितना है 0.5, नॉर्मल कितना है 40, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन फ्रिक्शन। हाँ, और 80 आगे के डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 80 - 20/10 विच इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन आया। अब एक्सेलरेशन से हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ 80, u तो जीरो है, एक्सेलरेशन कितना
सिक्स, और टाइम कितना 2 सेकंड के बाद पूछा है, तो 12 हो जाएगा 12। तो पावर कितना होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, 80। ये सिर्फ एफ के कारण से हम लोग पावर निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा 80 इंटू वेलोसिटी कितना है 12, कितना हो गया 960 960 इसका, किसका आया था? क्या मिस्टेक कर दिया भाई, फ्रिक्शन गलत लिया होगा पक्का। यस सर, सर फ्रिक्शन। मैंने वो यस टोटल वर्क सर, डन वो 720 लिया और फ्रिक्शन 240 आ रहा था तो मैंने सबट्रैक्ट कर दिया। फ्रिक्शन 240 आ रहा है, हाँ माइनस 240 फ्रिक्शन तो 20 आ रहा है ना। नहीं मतलब वर्क डन बाय अच्छा फ्रिक्शन तो वर्क डन और बाय, देखो टोटल वर्क डन 720 है। देखो फ्रिक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है ना, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे और तुम्हारा वेलोसिटी है आगे, तो इस बार क्या आएगा 180 डिग्री आएगा, तो इसीलिए माइनस साइन मैंने यहाँ पे पहले डाल दिया। फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है 20 और वेलोसिटी कितना है 12, तो 240 वॉट आएगा माइनस में। सर समझ में आया? टोटल 720 और ये फ्रिक्शन 240 है ना, तो मैं ऐड कर नहीं सकता। मैंने तो इंडिविजुअल मांगा ना, फोर्स का फ्रिक्शन का, हाँ नेट मांगते तो सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक बॉल है जिसका मास एम है, इसको फेंका गया यू से एट एन एंगल ऑफ थीटा, बराबर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फेंका गया। तो पूछा गया फाइंड द पावर ड्यू टू ग्रेविटी फर्स्ट एट, ये पी मान लो एट पॉइंट पी, सेकंड एट हाईएस्ट पॉइंट, एंड थर्ड व्हेन इट इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड। सॉल्व करो। तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और इस जगह से इस मास को फेंका गया विद द स्पीड यू एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो ये इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और ग्राउंड पे जाकर के गिरेगा। मुझे तीन लोकेशन पे पावर पूछा है, एक पी, और इस पॉइंट को क्यू बोल देता हूँ और इस पॉइंट को आर बोल देता हूँ। तो इस जगह पे जो एम जी लग रहा होगा वो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, नीचे की डायरेक्शन में। तो पावर एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, फोर्स डॉट विथ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का दो कंपोनेंट निकलेगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा का कोई भी पावर नहीं होगा एम जी के साथ, सिर्फ यू साइन थीटा का होगा। तो मैं लिख दूंगा एम जी और यू साइन थीटा, लेकिन एक माइनस साइन आएगा बराबर, क्योंकि एम जी फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है और यू साइन थीटा जो वेलोसिटी है ऊपर की डायरेक्शन में। पॉइंट पी का निकल गया, अब क्यू का निकालते हैं। क्यू पे जो वेलोसिटी होगा यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा और नीचे की डायरेक्शन में फोर्स होगा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो पॉइंट क्यू पे जो पावर होगा वो फोर्स इंटू वेलोसिटी, मतलब एफ वी कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है 0, जबकि मैंने पहले ही बताया अगर कोई भी दो वेलोसिटी एंड फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वहां पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पावर, और जब ग्राउंड को हिट करने वाला होगा तो उस समय भी यू इसकी वेलोसिटी और ये एंगल थीटा, इधर आ जाएगा यू कॉस थीटा और इधर आ जाएगा यू साइन थीटा और नीचे की डायरेक्शन में एम जी लग रहा होगा, ये तो 0 ही देगा। राइट, आर कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी विच इज यू साइन थीटा। तो एम जी यू साइन थीटा और ये होगा प्लस। समझ में आया गया? हाँ सर,
प्लस का मतलब ये है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा, नेगेटिव का मतलब क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, एनर्जी उससे विड्रॉ कर रहा, निकाल रहा। अगर इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि फाइंड द पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फॉर द एबव क्वेश्चन, ठीक है, जस्ट ऊपर वाला ही क्वेश्चन है एग्जैक्टली। मास एम है और इसको यू से फेंका गया एट एन एंगल ऑफ थीटा पर, सॉल्व करो इसको। तो मुझे इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है, ऑफ कोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर बोल दिया उसने तो कैसे निकालेंगे हम लोग, किसी भी टाइम टी पे इसकी पहले वेलोसिटी निकालनी होगी। मान लेता हूँ इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एम जी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी दो डायरेक्शन में होगा, एक एक्स में और एक वाई में। तो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे हम लोग, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और जो फोर्स होगा वो कैसे लिखा जाएगा, माइनस ऑफ एम जी जे कैप। और जब हम लोग पावर लिखेंगे तो पावर क्या होता है, फोर्स डॉट विथ द वेलोसिटी, फोर्स का वैल्यू पुट कर लो एम जी जे कैप डॉट विथ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। और जे कैप सिर्फ जे कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है, हमें पता है आई कैप है नहीं तो वो जीरो हो जाएगा, और ये आ जाएगा आंसर माइनस ऑफ एम जी वी वाई। तो वाई डायरेक्शन में इसका मोशन तो ऐसे होकर के ऐसे होने वाला है, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ ए टी, और इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा था क्योंकि यू साइन थीटा इस डायरेक्शन में एंड यू कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा प्लस। और एक्सलोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो माइनस ऑफ जी हो जाएगा, माइनस ऑफ जी इंटू टी। इसका वैल्यू इधर पुट कर लेता हूँ मैं, आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ एम जी यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी। तो ये आ जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा गिवन है कि एक ब्लॉक है, उसके ऊपर फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा था कि उसका वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कुछ इस तरीके से गिवन था, पूछा गया देन फाइंड पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सॉल्व। इसका मास 1 kg ले लेना, तो इसको सॉल्व करते हैं। मुझे वेलोसिटी गिवन है और पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मांगा है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला बहुत सारे होते हैं ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, तो जो भी कन्वीनियंट लगता है हम लोग वैसा यूज कर लेंगे। और कुछ कुछ इनिशियल कंडीशन इसमें गिवन नहीं होते हैं तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, यू इज इक्वल टू जीरो होता है, एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है, काइंड ऑफ समथिंग। अब वेलोसिटी दे रखा है तो वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल्स टू टू रूट अंडर ऑफ एक्स बराबर, और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी एक्स बाय रूट अंडर ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा 2 dt, और इसका इंटीग्रेशन, और ये कितना आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर कितना है, -1/2, और +1 करेंगे और -1/2 +1 करेंगे, एक्स रेज टू पावर कितना हो जाएगा बोलो, 1/2, 1/2 और नीचे भी 1/2 ऊपर चला जाएगा। तो 2√x इज इक्वल्स टू 2t, 2 2 कैंसिल आउट कर लिया और दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, सो एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। और अब मैं इसको डिफरेंशिएट भी कर सकता हूँ,
dx बाई डी टी, तो क्या मिलेगा मुझे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी हो गया दैट विल बी 2t, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2 m/s². तो पावर क्या लिख लेंगे हम लोग, फोर्स इंटू वेलोसिटी, बराबर फोर्स कितना आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 1 तो 2 आ जाएगा, और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये है 2t, ये आ जाएगा 4t, आया ना? यस सर, है ना, ये जो प्रोसेस था जनरल मेथड था, अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग इसी तरीके से करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़े शॉर्ट वे में भी कर सकते थे। शॉर्ट वे में क्या था इसका, कंपेयर करते, याद है क्या, जब रेक्टिलिनर मोशन हम लोग कर रहे थे तो उस समय इसको हम लोग कंपेयर करते थे, v² - u² = 2s से, सिर्फ इस टाइप के इक्वेशन ही कंपेयर हो पाते हैं, आया ना, याद आ रहा है क्या? हाँ सर, ठीक है, तो इधर से अगर इसको कंपेयर करें तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, v² = 4, बोलो एक्सेलरेशन 2 आएगा। एक्सेलरेशन 2 आ जाएगा, है ना, और एक्सेलरेशन अगर 2 आ गया विच इज कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन अगर 2 हमारा कांस्टेंट है तो उसको एक बार इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेट कर लेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा विच इज 2t, उसको एक बार और इंटीग्रेट कर लो तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, कितना आ जाएगा t² है ना, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस वेलोसिटी चाहिए था, फोर्स हमें पता चल जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन तुमने अभी जस्ट निकाल लिया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से, वी इज इक्वल टू 2√x है, दोनों साइड स्क्वायर किया, वी इज इक्वल टू 4x आ गया, अब इसको v² - u² = 2a से कंपेयर करा तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया, और एक्सेलरेशन कंपेयर करने पे कितना निकला 2 m/s², एक्सेलरेशन अगर इतना आया तो इसको इंटीग्रेट कर लो तो वेलोसिटी आ जाएगा 2t, अब फोर्स कितना आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है 1 और एक्सेलरेशन 2 न्यूटन, और पावर कितना आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स आ जाएगा जस्ट 2 एंड वेलोसिटी इज 2t, आ जाएगा 4t, है ना, यही हम लोगों ने ऊपर निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि किसी भी पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ mv² कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है, अल्फा नॉट t² से, ठीक है, ये फंक्शन इसका दे रखा है, तो बोला गया कि फाइंड द पावर एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, सॉल्व कर, तो मुझे क्या निकालना है पावर, और वो भी 2 सेकेंड पे, तो इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है इसका मतलब, तो ये निकालना काफी आसान है, वो क्या करना पड़ेगा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है dk/dt, तो सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है, वो कितना हो जाएगा अल्फा नॉट 2t, है ना, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंशिएशन, इधर से आ जाएगा ये अल्फा नॉट 2 और टाइम दे रखा है 2, ये हो जाएगा 4 α0, दिस विल बी द पावर एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर किसी ने इस तरीके से किया होगा, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया, फिर उसको डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन निकाला, फिर फोर्स निकाला, फिर फोर्स इनटू वेलोसिटी किया, वो उससे भी आ जाएगा आंसर, लेकिन थोड़ा लेंदी हो गया, तो
ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने लिखा था डी डब्ल्यू बाय डी टी इज इक्वल टू डी के बाई डी टी, ये हम लोगों ने यूज कर लिया। पावर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और क्वेश्चन ऐसा है, एक कुआं है और ये जो कुआं है ये 10 मीटर डीप है और इस जगह पे एक मोटर इंस्टॉल करना है ताकि इससे जो पानी है खींच पाए, और पानी जो है इस जगह पे जो मिलना चाहिए वो मतलब कि मान लो 5 kg पर सेकेंड मिलना चाहिए। ठीक है, तो पूछा गया फाइंड द पावर ऑफ द मोटर रिक्वायर्ड मोटर का क्या पावर होना चाहिए ताकि हमें पानी आसानी से अच्छे तरीके से मिल पाए। तो इस क्वेश्चन के लिए मुझे क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो ये जो है एवरेज पावर निकलेगा, और एवरेज पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो जितना वर्क होगा वो डिवाइडेड बाय टाइम। तो कुछ इस तरीके से सोचो सोचो कि 5 kg ऑफ वाटर जो है वो मैंने इस जगह से उठा करके इस जगह पे ला करके रख दिया, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में रखना है ना, 1 सेकेंड में। तो 5 kg को अगर पानी को उतना ऊंचाई तक लेकर के जाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटी, mgh। तो मास इसका 5 है, जी का वैल्यू आ जाएगा 10 और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, दिस विल बी 500। तो ये 500 जो है इतना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट के कारण से, विच इज इन दिस केसेस पंप। तो पावर एवरेज कितना हो जाएगा, पावर एवरेज विल बी इक्वल्स टू इतना वर्क किया और टाइम लगाया 1 सेकेंड, दिस विल बी 500 वाट। किसका आया बोलो? क्या मिस्टेक किया तुमने? पता नहीं, इक्वेशन गलत लिख दिया। अच्छा, तो बेसिक चीजें हैं, बस अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट पे लगा करके क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। तो ये हम लोग का पूरा वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का सर्कुलर मोशन नेक्स्ट क्लास से चैप्टर स्टार्ट होगा।